नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों, मिसाइलों को लेकर भारत की ओर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। और दोस्तों, यह खबर ना तो न्यूज़ चैनलों ने दी है और ना ही किसी ने दी है, बल्कि यह खबर दिया है खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस एजेंसी के CEO ने। दोस्तों, जो ब्रह्मोस बनाई जाती है उस कंपनी का नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस। दोस्तों, इसी के CEO ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रह्मोस को लेकर दिया है। तो दोस्तों, सब जानेंगे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस एजेंसी की तरफ से कौन सी खबर निकल कर आई है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, जिन लोगों को ब्रह्मोस एरोस्पेस एजेंसी के विषय में नहीं पता है तो दोस्तों शॉर्ट में ये जान लें कि दोस्तों ब्रह्मोस रसिया और भारत दोनों ने मिलकर बनाई है। और दोस्तों, जहां पर भारत की हिस्सेदारी 51% है और वहीं पर रसिया की हिस्सेदारी 49% है, तो यहां पर भारत का पूरा जोर है ब्रह्मोस पर। दोस्तों, जो कंपनी के CEO हैं उन्होंने बताया है कि जो भारत पर इस समय सबसे खतरनाक हथियार हैं वह है हाइपरसोनिक मिसाइलें। दोस्तों, ये मिसाइलें जिस भी देश के पास हैं वह देश सुपर पावर देश की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, चाहे वह रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, सभी देश। और दोस्तों, ऐसे में भारत के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है कि भारत के पास भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल होनी चाहिए। अगर दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होती है तो इसका तोड़ तो अवश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले समय में 2-3 सालों में चाइना के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों, रह गई बात अमेरिका की, तो दोस्तों अमेरिका भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल पर बहुत ज़ोरों से काम स्टार्ट किया है। और दोस्तों, भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तो होनी चाहिए। क्यों दोस्तों? इसके दो रीजन है। पहला तो चीन। क्यों दोस्तों? चीन बहुत तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर कार्यरत है और दोस्तों नए नए परीक्षण कर आगे आने वाले 2-3 सालों में एक हाइपरसोनिक मिसाइल चीन के पास तो हो ही जानी है। और दोस्तों, दूसरा रीजन यह है कि दोस्तों चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, सभी देश हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बहुत तेजी से काम स्टार्ट किए हुए हैं। ऐसे में अगर भारत कहता है कि आगे आने वाले समय में हम भी एक सुपर पावर बनेंगे, तो ऐसे वक्त में भारत के पास भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल तो होनी बनती है। और दोस्तों, यही सब चीज़ों को देखते हुए CEO ने कहा है कि हम जो है इस समय ब्रह्मोस NG मिसाइल पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम एक नए प्रकार की रैमजेट इंजन की टेस्टिंग भी कर रहे हैं, जिसकी मदद से जो ब्रह्मोस NG मिसाइल होगी उसकी रफ्तार भी हाइपरसोनिक मिसाइल के बराबर ही होगी। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रफ्तार होती है वह 5 मैक की होती है। और दोस्तों, जो CEO ने ब्रह्मोस NG मिसाइल को बताया है उसकी भी रफ्तार 4.5 मैक होने वाली है। और दोस्तों, CEO ने यह भी बताया कि इस इंजन के साथ साथ हमारे पास ब्रह्मोस NG में एक और कैपेबिलिटी उपलब्ध हो जाएगी कि हम आगे आने वाले 5 सालों में भारत के लिए एक नई हाइपरसोनिक ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर सकेंगे। दोस्तों, आप लोग इस पर इमेजिन करके देखिए कि जो ब्रह्मोस NG मिसाइल है, जो यह क्रूज मिसाइल है, इसमें अगर हाइपरसोनिक मिसाइल जोड़ दी जाए तो दोस्तों यकीनन मानिए दोस्तों कि ये कितनी खतरनाक मिसाइल हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आने वाले 5 सालों में भारत के पास भी ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारत पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल के 3 टेस्ट कर चुका है, चाहे वह दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में ही क्यों ना हो। और दोस्तों, इस समय जब DRDO इतनी जोर शोर के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए कार्यरत है, तो दोस्तों यकीनन मानिए दोस्तों कि 5 साल के अंदर ही भारत के पास भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल तो हो ही जाएगी। हालांकि दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस NG हाइपरसोनिक मिसाइल पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को समाप्त करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जय हिंद जय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।